स्वागत है डीएस इन्फॉर्मेशन में। आज का जो टॉपिक लेकर मैं आया हूँ, मिनिमम स्पेस फॉर टॉयलेट। जब आपको टॉयलेट बनाना होता है तो कम से कम जगह में शौचालय कैसे बनाएं और कितना स्पेस होना चाहिए अगर आप टॉयलेट प्लस में बाथरूम दोनों एक साथ बनाना चाहते हैं, शौच प्लस में स्नान घर आप दोनों एक साथ बनाना चाहते हैं, तो इसका साइज अलग होगा। और सिर्फ टॉयलेट बनाना है, संडास बनाना है, तो उसका साइज अलग होगा। वीडियो लास्ट तक देखें। अभी तक आप डीएस इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, चलिए जानते हैं कि जब आपको टॉयलेट बनाना होता है तो कुछ ना कुछ स्पेस के रिक्वायर्ड होता है कि कितना जगह चाहिए। तो मान लिया जाए कि आपके पास जो प्लॉट एरिया है, ओके, जो प्लॉट एरिया में जो घर बनाना है, उस घर में आपको प्लानिंग करना है 2 BHK, साथ में आपको एक टॉयलेट भी बनाना है, तो टॉयलेट का जगह कितना छोड़ेंगे तभी आप बेडरूम हॉल किचन प्रोवाइड करेंगे, टॉयलेट के लिए भी आपको जगह चाहिए। तो ये इस वीडियो के माध्यम से आपको डाउट क्लियर होगा कि कम से कम कितना जगह में टॉयलेट प्रॉपर एक सिस्टमेटिक और स्टैंडर्ड बन पाएगा, कंफर्टेबल, जो कि आपको शौच करने में कोई परेशानी ना हो। ऐसा नहीं कि इतना कंजेस्टेड आप बना देते हैं और शौचालय एक बार बनता है, बार बार नहीं, तो इसलिए कंजेस्टेड तो आपको बनाना ही नहीं है। ओके, तो देखिए ये हम जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला नंबर, आपको जब सिंगल शौचालय बनाना है, यानी सिर्फ बाथ रूम नहीं आपको चाहिए, सिर्फ शौचालय चाहिए, तो आप बना सकते हैं 4 फुट बाई 4 फुट बना सकते हैं। कम से कम आपको 4 फुट बाई 4 फुट चाहिए, पहला। ओके, सिर्फ आपको टॉयलेट चाहिए। ओके, एक और ऑप्शन में बता दूं कि अगर आप इससे थोड़ा और कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा, दोनों को मैं रीजन बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, 4 बाई 4 फुट और ये भाई 6 फुट कीजिए, दोनों टॉयलेट सिर्फ। इतना अगर आप स्पेस देते हैं तो एक कंफर्टेबल आपका टॉयलेट बनेगा। इसका रीजन जो होगा वो भी आपको मैं बताऊंगा कि इतना जो मैं साइज बताऊं कैसे बताऊं क्यों। दूसरा पॉइंट, जब आपको लेट प्लस में बाथरूम दोनों बनाना है एक साथ, एक्चुअली में बनाना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी लोग बनाते हैं, तो आपको कम से कम जगह होना चाहिए 4 फुट चौड़ाई और 8 फुट लंबाई, तभी आप दोनों बना सकते हैं। हाफ पार्ट में आपका हो जाएगा टॉयलेट, शौचालय, शौच हो जाएगा, और प्लस में जो ये एरिया बचेगा ये आपका बाथरूम हो जाएगा। ओके, देखिए क्या होता है, जब हम मार्केट से इंडियन सीट परचेज करते हैं, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, तो मिनिमम साइज आपको मिलेगा 400 mm। अगर इसको इंच में बदलिएगा तो 16 इंच के बराबर होगा। कैसे कन्वर्ट करना है, तो 1 इंच में होता है 25.4 mm, क्लियर। यहां से आप डिवाइड करेंगे तो ये 16 का अप्रोक्स आएगा। ओके, इसका जो लेंथ होता है 510 mm, जो इंडियन सीट है उसका लेंथ होता है 510 mm, लगभग 20 इंच के बराबर, क्लियर। अब इसको आपको एडजस्ट करना है, कैसे एडजस्ट करना है थोड़ा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आपके पास जो स्पेस है, कैसे फिक्स करना है मैं आपको बता दूं, इसी के अकॉर्डिंग आपका डायमेंशन मैं बताया हूं। मान लीजिए आपके पास स्पेस है, ये मैं बताया 4 फुट × 6 फुट कम से कम रखना है, एक स्टैंडर्ड बना रहे हैं, कंफर्टेबल बना रहे हैं, तो अदरवाइज आपको बहुत परेशानी होगा। 4 बाई 4 बनाएंगे तो बहुत कंजेस्टेड हो जाता है, दरवाजा खोलेंगे तो बाथरूम के ऊपर जाएगा, तो थोड़ा दिक्कत होता है। अब ध्यान दीजिए, इसको बैठाना है, ये क्या करना है, इंडियन सीट को यहां बैठाना है ईसे वाला एरिया में, तो बैक वाल, ये जो बैक साइड का वाल है, ये वाल है, ब्रिक वर्क हुआ है, ओके, और ये साइड वाल। ओके, देखिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बात को, एक साइड कहीं भी आपको गेट प्रोवाइड करना है। आप तो या तो इस साइड गेट प्रोवाइड करें, तो कम से कम जब आप गेट प्रोवाइड करेंगे तो 2.5 फीट चाहिए आपको गेट के लिए कम से कम। तो ये ओपन करेंगे
ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये 2.5 फुट सर्कल रेडियस लेगा और इस कॉर्नर पे आपको वाश बेसिन यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये कितना जगह बचा, 2.5 फुट ये हो गया, ओके, तो ये 3.5 फुट, कितना 3.5 फुट बचा। 3.5 फुट में अब आपको क्या करना है, कैसे आपको इसको मैनेज करना, ध्यान दीजिए। बैक जो वॉल है यहाँ पे वो आपको पीछे से 10 इंच छोड़ के, कम से कम कितना, आप 10 इंच छोड़ करके इंडियन सीट को यहां पे बैठाइएगा 10 इंच, ओके, ऐसे, ओके, ठीक है, ये आपका इंडियन सीट हो गया। ध्यान दीजिएगा राइट साइड जो होता है, जैसे कि ये फेस इधर है, इंडियन सीट जो आप शौच पे बैठेंगे तो आपका फेस इधर है, ध्यान दीजिएगा, तो राइट साइड जो आएगा, ओके, राइट साइड आपका किधर हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा राइट साइड, है ना, तो राइट साइड में आपको, राइट साइड में आपको रखना है कम से कम 1.5 फीट, ओके, 1.5 फुट रखना है इधर, और ये कितना लगभग ये आपका चौड़ाई हो गया, देखिए अभी मैंने बताया इसका चौड़ाई 16 इंच हो गया, तो देखिए आपका 16 इंच, यानी कि आपका 1 फुट 4 इंच, अब प्लस में ये हो गया आपका, यानी कि 2 फुट 9 इंच, बचा कितना आपका 4 फुट, यानी कि 1 फुट 3 इंच बचा इधर, तो आप इधर 1 फुट 3 इंच रख सकते हैं, ओके। अगर और ज्यादा मतलब थोड़ा फ्रेश बनाना चाहते हैं तो ये 3 फुट ना लगे, इधर 1 फुट रखिए और इसको थोड़ा ज्यादा कर लीजिए, राइट साइड थोड़ा स्पेस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, जो नल प्रोवाइड किया जाता है इसलिए ये स्पेस थोड़ा ज्यादा है तो बेटर होता है, ओके। ये देखिए अब ये कितना हो गया, यहां पे आइए, ये देखिए इसका लेंथ कितना मैंने बताया, लगभग 20 इंच, तो 20 इंच ये ले लेगा और 10 इंच ये, 30 इंच हो जाएगा, ओके। लेकिन फ्रंट में जब इंडियन सीट जो बैठाएंगे उसको फ्रंट में, ये वाला जो सामने वाला जगह होता है, कम से कम 1 फुट होना चाहिए, और ये आप यहाँ थोड़ा फ्रेश में देखिएगा, ओके, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए, तो सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा आपको, इलेक्शन टाइम चल रहा है अभी, ओके, देखिए अब क्या है, इंडियन सीट जो बैठाएंगे आप यहाँ पे, थोड़ा फ्रेश में बताया दूं, तो इसका जो फ्रंट है आपको 1 फुट लेना पड़ेगा और ये ऐसे आपको करना पड़ेगा, तो इस एरिया हो गया, तो ये 1 फुट हो गया, ये 20 इंच हो गया और ये 10 इंच हो गया, ओके। अब समझिए कि 10 10 कितना हो गया आपका, 10 20 30 इंच हो गया, यानी कि 30 इंच, ओके, और ये 1 फुट में 12 इंच होता है, यानी कि 12 इंच, यानी कि आपका 42 इंच हो गया, ओके, तो ये टोटल यहां से यहां तक आपका 42 इंच, ओके, देखिए तो अब क्या करना है, तो 42 इंच हो गया, तो 42 इंच में कैसे आपका 3 फुट 6 इंच, 3 फुट 6 इंच बचा, और ये मैंने आपको बताया ये 2.5, तो ये देखिए एडजस्ट हो गया, तो इस तरह आप बाथरूम बना सकते हैं, देखिए। और सेकेंड जो पॉइंट मैंने बताया कि एक साथ दोनों बनाना चाहते हैं तो आपको ये लंबाई जो है 2 फीट और बढ़ाना होगा, 4 फुट ये और 8 फुट, यानी कि आपको 3.5 फुट में तो ये बन जाएगा और स्नान जो है घर जो आपको बनाना है तो इस वाला एरिया में बन जाएगा, यानी कि 3.5 फुट ये और ये टोटल 8 फुट है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4.5 फुट, ओके, तो ये देख लीजिए आपका 4.5 फुट, ये इसमें आप स्नान घर बन जाएगा, ये बाथ एरिया हो गया और ये टॉयलेट एरिया हो गया। इस तरह आप बना सकते हैं। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगो तो शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।